और कोटा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्योग नगर इलाके में रिश्तों का कत्ल हुआ है। कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या यहां पर कर दी। डकनिया इलाके का रहने वाला ये मृतक मुकेश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा है। उद्योग नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोटा से बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। रिश्तों को तार तार करने की एक और घटना यहां से सामने आई है। उद्योग नगर पुलिस जो है फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि यहां पर एक सनसनीखेज वारदात जो है वो सामने आ रही है, इसकी सूचना मिल रही है। रिश्तों का कत्ल यहां पर हुआ है। उद्योग नगर इलाके की पूरी घटना, कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की यहां पर हत्या कर दी। हत्या के क्या कारण इसके पीछे रहे फिलहाल इनकी जानकारी नहीं है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। डकनिया इलाके का रहने वाला जो है मृतक मुकेश, उसका नाम बताया जा रहा है, जिसके बेटे ने अपने ही पिता की यहां पर कुछ कारणों के चलते हत्या कर दी है। जो कारण है फिलहाल उनकी तहकीकात जारी है। बड़ी खबर कोटा से बता रहे हैं। उद्योग नगर इलाकों में यहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। रिश्तों को एक बार फिर से शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या यहां पर कर दी और डकनिया इलाके के रहने वाले मृतक मुकेश का कत्ल उसी के बेटे ने किया है। इस चीज की फिलहाल सूचना मिल रही है। पुलिस ने फिलहाल जो है शव को मोर्चरी में रखवाया है और आगे की किस प्रकार से इस मामले में तहकीकात होगी उसके लिए पुलिस यहां जुट गई है। उद्योग नगर पुलिस का ये मामला, उद्योग नगर पुलिस कार्यवाही इस मामले में शुरू कर चुकी है। कोटा से बड़ी खबर फिलहाल। कल दिनांक 1 सितंबर 2020 को थाना उद्योग नगर क्षेत्र में सिवैया फैक्ट्री, काली माता सिवैया फैक्ट्री के सामने जो हरिजन बस्ती है वहाँ पर रात्रि के समय रोहित नामक लड़का, जिसने अपने पिता महेश सनव बाबूलाल जाति वाल्मीकि उम्र 50 साल के साथ मारपीट की लकड़ी से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर थाना उद्योग नगर पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी जांच कार्रवाई जारी है और स्वयं एसएसपी साहब इसकी मॉनिटरिंग करके स्वयं ही जांच कर रहे हैं। कोई कारण निकल कर आया हत्या का? इसके कारणों का पता कि प्रकरण पंजीबद्ध किया है और फैमिली जो भी कारण होगा इसका पता लगाया जाएगा। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र महावर कोटा से मेरे साथ फोनलाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, एक बार फिर से कोटा से एक और रिश्तों को तार तार करने वाली सूचना सामने आ रही है। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, क्या फिलहाल कारण सामने निकल कर आ रहे हैं इनका, कुछ पता, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल जयति, जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है वो निश्चित तौर पर एक रिश्तों को शर्मसार और कत्ल कर देने वाला है। रात को ही झगड़ा हुआ था पिता और पुत्र के बीच में। पिता का कहना था कि पुत्र जो है वो नशे का आदि है और आए दिन नशा करके घर पर झगड़ा करता है। इस बात को लेकर रात को दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुत्र ने, जिसका नाम रोहित है, उसने अपने पिता मुकेश की लाठियों से वार करके हत्या कर दी थी। उसके बाद वो मुकेश से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने उसको राउंड अप कर लिया है। तो परिजन है, उनका कहना है कि उसने लगातार अपने पिता को जान से मारने की धमकी दी थी और लगातार वो नशा करके आता था और नशा करके वो अपने पिता के साथ मारपीट करता था। शादीशुदा व्यक्ति है लेकिन उसकी पत्नी उसको पहले ही छोड़ के चली गई। सबके पिता से जो परिजन है उनसे मेरी एक जानकारी और सामने आई कि जो आरोपी रोहित है उसने अपने बेटे का भी कत्ल किया था, लेकिन इस बारे में पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की है और इस फाइल को खत्म कर दिया गया है। रही बात आज की, तो पुलिस ने उसको राउंड अप कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो है उद्योग नगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जी योगेंद्र, एक बड़ी सूचना आपने दी, जिस प्रकार से परिजनों ने बताया कि उसने अपने बेटे का भी कत्ल किया और अपने बाप का भी कत्ल किया, अगर उसी वक्त पुलिस थोड़ी सी एक्टिव हो जाती और इस चीज के बारे में छानबीन करती कि किस क्या कारण रहे अपने बेटे को मारने के पीछे, तो शायद ये वारदात को रोका जा सकता था जो अब हुई है। फिलहाल परिजनों की ओर से क्या इसके अलावा जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जयती, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि जो आरोपी रोहित है वो दिमागी संतुलन से भी उसकी तबीयत खराब रहती है, जो परिजनों से हमारे पास जानकारी आई है। जिस वजह से वो जब भी नशा करता था, नशा वो शराब का भी करता, इसके अलावा इसमें एक चरस गांजे का भी वो नशा करता था, और जब भी नशा करता था वो घर पर आकर अपने पिता से ही झगड़ा करता था और अपने पिता को ही जान से मारने की धमकी देता था। जो मृतक की जो पत्नी है उसने उसका रो रो का बुला हार है और उसने साफ तौर पर कहा है कि उसके बेटे को सजा मिलनी चाहिए जिसने अपने पिता की इतनी निर्ममता से हत्या कर दी। जी जी, बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्योग नगर इलाके में रिश्तों का कत्ल यहां पर हुआ। एक कलयुगी बेटे ने
अपने ही पिता की हत्या कर दी।